हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज आप लोगों के लिए मैं इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ चीजें लेके आया हूँ, जहां पर आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। केवल और केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं है एक ऑप्शन आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इक्विटी, आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिबेंचर्स, या फिर कम्युनिटी के अंदर भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, हम लोग कम्युनिटीज के अंदर गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स, एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ले सकते हैं, या फिर इन्हें डिजिटल ही अपने डीमैट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। और साथ में ही आजकल तो डायमंड की भी ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया है, यानी आप लोग फिजिकल डायमंड को लेकर रख सकते हैं। और इस प्रकार से रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स भी आ गए हैं, जो कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और रियलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के नाम से उतारे हैं, जिन्हें आप लोग अपने डीमैट अकाउंट से खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास में ये जितनी भी सारी चीजें हैं, इनको हम लोग बोलते हैं असेट क्लासेस। दिस इज योर असेट, यानी आप जो भी चीजें खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, क्योंकि डीमैट अकाउंट एक टाइप का डीमटेरियलाइज अकाउंट है, जो आपके इनटेंजिबल या टेंजिबल सिक्योरिटीज को होल्ड करने के काम आता है। तो हो गए ना कितने सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट करने के, तो बिल्कुल घबराइए ना, इन्वेस्टमेंट कीजिए और भरपूर कीजिए।